आप अब्रॉड से MBBS करना चाहते हो और अगर आपके पास दो ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी बी, यूनिवर्सिटी ए फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, यूनिवर्सिटी बी बायलिंगुअल है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे? यूनिवर्सिटी ए में इंडियन फैकल्टी है, यूनिवर्सिटी बी में लोकल फैकल्टी है जो आपको लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाएगी, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे? यूनिवर्सिटी ए में फर्स्ट ईयर से FMG या नेक्स्ट की कोचिंग अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी बी में कोई भी FMG या नेक्स्ट की कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे? यूनिवर्सिटी ए में बहुत ही अच्छी रिनोवेटेड हाई क्लास हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी बी में एवरेज हॉस्टल्स है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे? यूनिवर्सिटी ए में मेस अवेलेबल है जिसमें इंडियन खाना मिलता है, यूनिवर्सिटी बी में मेस अवेलेबल नहीं है, आपको खुद से खाना बनाना पड़ रहा है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे? यूनिवर्सिटी ए की हॉस्टल में लॉन्ड्री अवेलेबल है, आपको खुद से कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी बी में लॉन्ड्री नहीं है, आपको कपड़े खुद से धोने हैं। यूनिवर्सिटी ए की ये सारी फैसिलिटीज के बावजूद भी उसकी फीस बहुत ही रीजनेबल है, यूनिवर्सिटी बी में ये फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी फीस बहुत ही हाई है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे? यूनिवर्सिटी ए जो सारी फैसिलिटीज और रीजनेबल फीस और अच्छी पढ़ाई वाली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो के किर्गिस्तान के जलालाबाद में है, और यूनिवर्सिटी बी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आप जानते होंगे। फिर भी ज्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बताइए और ये नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट में हमें बताइए कि आप यूनिवर्सिटी ए चूज करोगे या यूनिवर्सिटी बी चूज करोगे। थैंक यू वेरी मच।